इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों ग्वालियर चंबल में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसान बिल सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान तोमर ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने दिल से माफी मांगने की बात नहीं कही। राहुल गांधी दो अर्थी बातें कर रहे हैं, और अगर सच में दिल से राहुल गांधी ने कमलनाथ को माफ़ी मांगने के लिए कहा है, तो वो अगर राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो उनको कमलनाथ पर कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस स्तर गिराने की असफल कोशिश कर रही है, और ये इसलिए होता है कि चुनाव में जब राजनीतिक दल के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती, 10 साल तक UPA सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव में उनको मर्यादाएं नहीं तोड़ना चाहिए। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में गर्मी का माहौल बन गया है। नेताओं के एक दूसरे पर बयानबाजी जारी है। ऐसे में अब आने वाला वक्त ही बताएगा कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।